सब्सक्राइब कीजिए धे आईएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भारतीय कलाओं की विरासत संस्कृत की तरह प्राचीन है। भारतीय कलाओं के स्वरूप में वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला एवं साहित्य कला प्रमुख है। कला मानव जीवन की अभिव्यक्ति है। कला किसी भी संस्कृति एवं विचारधारा का प्रतीक है, उसकी पहचान है। जहां भारतीय संस्कृति में कला की समृद्ध विरासत रही है, वहीं भारत की समृद्ध कला परंपरा में लोक कलाओं का गहरा रंग है। आज डीएनएस कार्यक्रम में चलिए जानते हैं कहानियों की कला, एक लोक कला वारली के बारे में, जो महाराष्ट्र की वारली जनजाति की रोजमर्रा की जिंदगी और सामाजिक जीवन का सजीव चित्रण है। महाराष्ट्र जो अपनी वारली लोक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। वारली एक बहुत बड़ी जनजाति है जो पश्चिमी भारत के मुंबई शहर के उत्तरी भामंचल में बसी है। भारत के इतने बड़े महानगर के इतने पास बसे होने के बावजूद वारली के आदिवासियों पर आधुनिक शहरीकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 1970 के प्रारंभ में पहली बार वारली कला के बारे में पता चला। हालांकि इसका कोई लिखित प्रमाण तो नहीं मिलता कि इस कला का प्रारंभ कब हुआ, लेकिन 10वीं सदी ईस्वी पूर्व के आरंभिक काल में इसके होने के संकेत मिलते हैं। वारली महाराष्ट्र की वारली जनजाति की रोजमर्रा के जिंदगी और सामाजिक जीवन का सजीव चित्रण है। ये चित्रकारी वो मिट्टी से बने अपने कच्चे घरों की दीवारों को सजाने के लिए करते थे। लिपि का ज्ञान नहीं होने के कारण लोक वार्ताओं के आम लोगों तक पहुंचाने का यही एकमात्र साधन था। मधुबनी की चटकीली चित्रकारी के मुकाबले ये चित्रकला बहुत साधारण है। चित्रकारी का काम मुख्य रूप से महिलाएं करती है। इन चित्रों में पौराणिक पात्रों अथवा देवी देवताओं के रूपों को नहीं दर्शाया जाता, बल्कि सामाजिक जीवन के विषयों का चित्रण किया जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी घटनाओं के साथ साथ मनुष्यों और पशुओं के चित्र भी बनाए जाते हैं, जो बिना किसी योजना के सीधी सादी शैली में चित्रित किए जाते हैं। महाराष्ट्र के जनजातीय चित्रकारी का ये कार्य परंपरागत रूप से वारली के घरों में किया जाता है। मिट्टी की कच्ची दीवारों पर बने सफेद रंग के ये चित्र प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की तरह दिखते हैं और सामान्यतः इनमें शिकार, नृत्य, फसल की बुवाई, फसल की कटाई करते हुए व्यक्ति की आकृतियां दर्शाई जाती हैं। कागज पर की गई वारली चित्रकारी काफी लोकप्रिय हो गई है और अब पूरे भारत में इसकी बिक्री होती है। आज कागज और कपड़े पर छोटी छोटी चित्रकारी की जाती है, लेकिन दीवार पर चित्र अथवा बड़े बड़े भित्ति चित्र ही देखने में सबसे सुंदर लगते हैं, जो वारलियों के एक विशाल और जादुई संसार की छवि को प्रस्तुत करते हैं। वारली आज भी परंपरा से जुड़े हैं, लेकिन साथ ही वो नए विचारों को भी ग्रहण कर रहे हैं, जो बाजार की नई चुनौतियों का सामना करने में उनकी मदद करते हैं। वारली जाति में माश नामक व्यक्ति ने इस कला को व्यवहारिक रूप दिया। उसने वारली लोक कला को महाराष्ट्र से बाहर ले जाने की हिम्मत दिखाई और इस कला में अनेक प्रयोग किए। उन्होंने लोक कथाओं के साथ साथ पौराणिक कथाओं को भी वारली शैली में चित्रित किया। वागदेव, धरती माँ और पांडु राजा के जीवन काल को भी वारली शैली में चित्रित किया गया। उन्होंने वारली में आधुनिकता का समावेश किया। मिट्टी गोंद के मिश्रण के साथ साथ काम ज्यादा टिकाऊ बनाने के लिए उन्होंने ब्रश और औद्योगिक गोंद का प्रयोग किया। इस प्रयोग से वारली कलाकृतियों को नए आयाम मिले।
और उनकी अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता बढ़ने के साथ ही वारली जनजाति का आर्थिक स्तर भी सुधरने लगा। आज माश के अतिरिक्त शिवराम गोजरे और शरत वलघानी जैसे कलाकार इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। ये लोग कागज और कैनवस पर पोस्टर रंग इस्तेमाल कर रहे हैं। वारली कलाकृतियों की यात्रा गोबर मिट्टी की सतह वाली दीवार से शुरू होकर आज कैनवस तक आ पहुंची है, जो वारली जनजाति के सरल जीवन को दर्शाती है।